हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी ही चैनल दीप्तनु शील को। तो आज के इस वीडियो पे, अभी जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, इस चैनल पे मोनेटाइजेशन का कुछ इशू है। इस पेज का मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। दो या तीन बार ऑलरेडी इस पेज के ऑनर ने, मतलब इस चैनल के ऑनर ने ऑलरेडी दो या तीन बार मोनेटाइजेशन के लिए अपील कर चुका है, मगर हर एक बार यूट्यूब ने उसको रिजेक्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, जिस पे मैंने दिखाया था इस चैनल पे क्या इशू है जिसके वजह से मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो रहा है। अगर किसी भी दोस्त ने उस वीडियो को मिस किए हो तो वीडियो के आई बटन पे, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग देख लेना, तो आपको पता चलेगा किस रीज़न के वजह से इस चैनल पे मोनेटाइजेशन के इशू आया हुआ है। मगर आज इस पेज पे मोनेटाइजेशन पे और एक स्टेप आगे जाके एक चीज को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोग एक क्रिएटर हो तो आपके लिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर को ये सारे चीजों के बारे में मालूम ही नहीं है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, पूरा नॉलेज लेके ही वीडियो से जाना। अगर कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रिएटर स्टूडियो पे जाना है। क्रिएटर स्टूडियो पे जाने के बाद ऐसा कुछ चीज आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगा, वो भी बहुत ही नए तरीके का नॉलेज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है वीडियो पे। वीडियो पे मैंने क्लिक किया, तो वीडियो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने खोल के आएगा, जहां पे सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो फिल्टर लिखा हुआ एक ऑप्शन रहता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया फिल्टर पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉपीराइट क्लाइम, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने कॉपीराइट क्लाइम पे क्लिक किया, तो ये जो चैनल है इसका एक ऐसा वीडियो है जिस पे कॉपीराइट क्लाइम है। कॉपीराइट क्लाइम और कॉपीराइट स्ट्राइक दो अलग बात होता है। कॉपीराइट स्ट्राइक आने पे आपको आपके चैनल से वो वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो यूट्यूब खुद उस वीडियो को डिलीट कर देगा और आपको फर्स्ट स्ट्राइक मिल जाएगा। कॉपीराइट क्लाइम आने पे आप वीडियो को डिलीट नहीं भी करोगे तो भी वीडियो आपके चैनल पे रहेगा, यूट्यूब उसको डिलीट नहीं करेगा। तो ये जो वीडियो है इस पे बेसिकली कॉपीराइट क्लाइम आया हुआ है। तो कॉपीराइट क्लाइम क्यों आया है ये जानना हमको सबसे जरूरी है। कभी कभी हम लोगों को एज ए क्रिएटर या नए क्रिएटर ये मालूम भी नहीं पड़ता हमारे कॉन्टेंट पे ऐसा क्या कमी है जिसके वजह से कॉपीराइट क्लाइम आया है। तो ये चैनल के ओनर को भी ये समझना है, इसीलिए मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जितने भी व्यूअर नए नए क्रिएटर इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों को आज 10 दफा ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा सी डिटेल पे। तो मैं जाऊँगा कॉपीराइट क्लाइम के ऊपर, हॉवर करूँगा कर्सर को और सी डिटेल पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आज आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज मिलने वाला है दोस्तों। तो मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो कॉपीराइट समरी एंड स्टेटस, यहाँ पे आपको सारा चीज मालूम पड़ेगा क्यों इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लाइम आया है, क्या इस चैनल के ओनर ने मिस्टेक किया है और इसका इफेक्ट क्या होने वाला है इस चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है द कंटेंट आईडी क्लाइम ऑन योर वीडियो डज नॉट एफेक्ट योर चैनल, मतलब ये जो कॉन्टेंट आईडी का क्लेम आया हुआ है ये आपके चैनल को, यूट्यूब चैनल को कहीं से भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। दिस इज नॉट ए कॉपीराइट स्ट्राइक, ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक होता तो इफेक्ट कर सकता था, क्योंकि ये कंटेंट आईडी क्लाइम है, कॉपीराइट क्लाइम है, इसलिए आपको कहीं से भी इफेक्ट नहीं करेगा। ये एक अच्छा बात है इस चैनल के ऑनर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट इफेक्टेड लिखा है। चैनल इम्पैक्ट कॉन्टेंट आई डी क्लाइम ऑन योर वीडियो डज नॉट एफेक्ट योर चैनल, एक अच्छा बात है। ये वीडियो अभी पब्लिक है, विजिबल टू एवरी वन है ये वीडियो। और उसी के साथ मोनेटाइजेशन पे आप देख सकते हो इन एलिजिबल लिखा हुआ है, मतलब ये जो वीडियो है ये आप मोनेटाइज नहीं कर सकते हो। अगर आपका पे, मतलब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो भी जाए तो भी ये वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा। मगर फिर भी एक इंटरेस्टिंग चीज अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये जो चैनल है अभी भी मोनेटाइज नहीं है, मगर इस पर्टिकुलर वीडियो पे
अभी भी एड आएगा, बिना मोनेटाइज करते हुए भी एड आएगा, मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्ट होने पे भी, इस पर्टिकुलर वीडियो पे इन एलिजिबल होने के बावजूद भी इस वीडियो पे अभी फिलहाल बिना मोनेटाइज हुए भी चैनल इस पर्टिकुलर वीडियो पे एड आ रहा है या किसी किसी लोगों को एड दिख रहा है, और इसका जो भी रेवेन्यू इनकम जनरेट होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से, इसका एक पैसा भी इस पेज के मतलब इस चैनल के ओनर को नहीं मिलेगा। ये सीधा सीधा जाएगा जिस कंटेंट आईडी ओनर का क्लेम है, या फिर इस वीडियो पे जो भी कॉपी आपने किया था, जिस प्रॉपर्टी को आपने कॉपी किया था, उस ओनर को सीधा सीधा पैसा जाएगा बिना मोनेटाइज होते हुए भी, क्योंकि उस ओनर का वो कंटेंट ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है उस चैनल पे, इसीलिए उस ओनर को इस पे मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो का पूरा पैसा चला जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात जो है वो वही है, क्योंकि ये जो कंटेंट आईडी क्लेम है ये ऑलरेडी ऑन बिहाफ ऑफ सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितने मिनट से कितने मिनट का कंटेंट जो है वो फाउंड हुआ है, कंटेंट जो है वो कॉपी है। तो यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली एक म्यूजिक चालू होता है उस टाइम से, जिस म्यूजिक इस पेज के ओनर का खुद का कंटेंट नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, और इस वीडियो का पूरा जो इनकम है वो चला जाएगा सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट को, क्योंकि वो ओरिजिनल ओनर है उस पर्टिकुलर कंटेंट का। तो यहाँ पे मैं इस चैनल के ओनर को जो बताऊंगा, ये जो वीडियो है दोस्तों, यहाँ पे अभी आप जाके मैं दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वीडियो पे अभी 50,000 से भी ज़्यादा व्यू है। तो अभी क्योंकि इस पेज पे मतलब इस चैनल पे इस कंटेंट पे सिर्फ कंटेंट क्लाइम है, तो अभी इसको हटाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पे अभी स्ट्राइक नहीं है और अच्छा खासा व्यू है, तो अच्छा खासा पब्लिक वॉच आवर भी है, और ये जो वीडियो है वो पब्लिक है। तो क्योंकि अभी तक इस चैनल के ओनर का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन नहीं हुआ है, तो आप इस कंटेंट को अभी आप जैसे है वैसे ही रहने दो, और आगे ऐसा गलती मत करो, किसी का भी कंटेंट आपके कंटेंट के अंदर रहना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देखे होंगे कुछ एक या दो मिनट का कंटेंट ही इस पर्टिकुलर वीडियो पे उन्होंने लिया था, जहाँ पे एक म्यूजिक प्ले होता है जिसका कॉपीराइट नहीं है इस पेज के मतलब इस चैनल के ऑनर के पास, जिसके वजह से ये इशू आया हुआ है। और काफ़ी टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिले, तो ऐसा काम आप मत करिए। अगर आप चाहते हो यूट्यूब पे लंबे टाइम तक आप पैसा कमाओ और यूट्यूब पे आप क्लीन रहो, तो आशा करता हूँ इस आज के इस वीडियो से दो क्वेश्चन का डाउट क्लियर हुआ है। एक, काफ़ी क्रिएटर लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर मेरा जो यूट्यूब चैनल है अभी तक मोनेटाइज नहीं है, मगर मुझे किसी ने बोला है मेरे पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो पे ऐड आता है। अब आपको समझ में आ गया है ये जो चैनल है ये भी मोनेटाइज नहीं है, मगर इसके ये पर्टिकुलर वीडियो पे भी ऐड आएगा, मगर उसका एक रुपया भी इस पेज के ऑनर को नहीं मिलेगा। जिसका कॉपीराइट कंटेंट है उस कॉपीराइट ऑनर को ही इसका जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो पूरा चला जाएगा। इसीलिए काफ़ी लोगों को बिना चैनल मोनेटाइज होते हुए भी वीडियो पे ऐड दिखने को मिलता है। तो ये डाउट क्लियर हुआ। और एक डाउट क्लियर हुआ, आपके चैनल पे ऐसा कॉपीराइट वीडियो है कि नहीं है वो कहाँ से जाके चेक करना है वो भी आपको समझ में आ गया है। वीडियो पे जाना है, उसके बाद फिल्टर पे आके क्लिक करके कॉपीराइट क्लेम वाला जो ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना होता है, जहाँ से आपको मालूम पड़ता है कॉपीराइट जो है वो क्यों आया है, और कॉपीराइट ओरिजिनल है डुप्लीकेट है ये भी मालूम पड़ता है, और उससे आपको स्ट्राइक मिला है कॉपीराइट क्लेम है ये भी मालूम पड़ता है, और आने वाले टाइम पे अगर ऐसा कंटेंट आपके चैनल पे रहता है तो उसको आपको डिलीट करना है या नहीं करना है वो भी मालूम पड़ता है। तो इस पेज के ऑनर को मैं फिलहाल बोलूँगा ये कंटेंट को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पे सिर्फ कॉपीराइट क्लेम आया है जो आपके चैनल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं फैलाएगा। सिर्फ इस पर्टिकुलर कंटेंट आपके चैनल पे मोनेटाइज नहीं होगा, और जो भी ऐड आएगा वो डायरेक्ट पैसा चला जाएगा जो इस पेज का मतलब इस कंटेंट का ओरिजिनल ऑनर है उसको। और उसी के साथ क्योंकि इस पे अच्छा खासा व्यू आया है और पब्लिक वॉच आवर भी अच्छा खासा इस वीडियो से आया हुआ है, तो इस वीडियो को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। मगर ऐसा आने वाले टाइम पे ऐसा मिस्टेक मत करना, ज़्यादा कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक आएगा तो आपका जो चैनल का लेवल है आपका जो चैनल का स्टैंडर्ड है वो नीचे आ जाता है, तो ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। यही आज के इस वीडियो से आप लोगों को सभी को मैं समझा रहा हूँ।
आने वाले टाइम पे आप किसी भी दूसरे ओनर का या दूसरे प्रॉपर्टी को कॉपी करके मत डालिए, किसी का भी म्यूजिक आपके वीडियो पे मत यूज कीजिए। जो यूट्यूब का कंटेंट फ्री म्यूजिक होता है उसी को यूज करना, जो कि आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी करके एक ऑप्शन आता है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ढेर सारा म्यूजिक मिलता है जो कि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है यूट्यूब के हवाले से। वो म्यूजिक आप यूज करो तो आपको आने वाले, जैसे यहाँ पे बहुत सारे वीडियो है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे एरो पे जाके डाउनलोड करके ये सारे म्यूजिक को अपने वीडियो के बैकग्राउंड पे यूज करो, अगर आप करना चाहते हो तो। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से काफी नॉलेज आप लोगों को मिला है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई दोस्त मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आप रहो, मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों, बाय।